संडे विश्राम हमारे तो मजदूर खड़े हैं, आपने अपने आप हटा दिया। शासन ये जबरदस्ती नहीं कर रहा, बताइए आप, आपसे तो पूछ रहे हैं हम, आप हमारी बात का जवाब दीजिए। अभी तो आप सारी बातों का जवाब दे रहे हैं, आपसे तो हाथ जोड़ के विनती करके पूछ रहे हैं ना, आप सर्वोच्च अधिकारी हैं। बहुत दुखद बात है, एक तरफा कार्रवाई की गई, बात नहीं सुनी गई हमारी। ये जो जमीन है 100 वर्षों से अधिक से मसीही समाज के उसमें थी, आधिपत्य में थी, और शासन ने शुक्रवार को दिन में सीमांकन के लिए नोटिस दिया था, शाम तक वो सीमांकन करते रहे। शनिवार की शाम को नोटिस दिया कि अतिक्रमण हटाया जाए, उसके लिए कोई समय हमको नहीं दिया गया और ना हमारी बात सुनी गई। शनिवार शाम था, हम कहीं अपील नहीं कर सकते थे, और आज सुबह 7 बजे के पहले से पूरे दल बल के साथ प्रशासन ने आकर इस सबको तोड़ दिया बिना हमारी कोई बात सुने। तो हम दुखी हैं, मसीही समाज हमेशा से शांतिप्रिय लोग हैं, हम कोई उपद्रव करने वाले लोग नहीं हैं और ना कोई न्याय और कानून के अगेंस्ट जाने वाले लोग। इस कार्रवाई को किस नजर से देखते हैं आप? अन्यायपूर्ण कार्यवाही है, जो बहुसंख्यक है या सब सारे बहुसंख्यक भी नहीं, कुछ लोग हैं जो अपनी तुष्टि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जमीनें चाहते हैं, तो वो पीछे पड़े हुए हैं और शासन प्रशासन उनकी बात सुनता है, ये सबसे ज्यादा दुखद है। कुल मिला के क्या मानती है पूरी घटना को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? पक्षपात है, सीधा सीधा पक्षपात है, एक तरफा बात है, पूरा। हमको संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, आतंकवादियों तक को तो वकील उपलब्ध कराया जाता है, हमको अपनी बात रखने का, न्यायालय में जाने का मौका नहीं देंगे आप, है? और ऐसी त्वरित कार्यवाही यदि प्रशासन करने लगे तो हमारा देश सुधर जाए बिल्कुल। आज जिस तरह से कार्यवाही की गई अनऑफिशियल टाइम में सुबह से, बहुत ही दुखद है, पक्षपात, टोटल पक्षपात। शनिवार को आदेश दिया जाता है, जी, दूसरे दिन संडे है, छुट्टी कर दे, बिल्कुल, फिर आप लोग कहीं जा भी नहीं सकते, नहीं नहीं जा, वही तो प्रॉब्लम। और सुबह सोमवार के दिन कार्रवाई, तो इसको पक्षपात नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, बताएं? दुर्भाग्यपूर्ण ये हमारे साथ व्यवहार किया गया शासन की ओर से और विशेषकर तहसीलदार जी की ओर से, हमारे पक्ष को रखने के लिए अवसर ही नहीं दिया गया, हमें सुना ही नहीं गया, और शनिवार को 1 बजे उन्होंने सीमांकन के लिए पत्र जारी किया, 2 बजे यहाँ पर सीमांकन के लिए टीम आ गई, शाम को 6 बजे तक ये सीमांकन करते रहे, अगला दिन शनिवार हो गया, शनिवार को शाम को 6:25 पर इन्होंने जमीन बेदखली का हमको ऑर्डर दिया। इतवार का दिन था, ना कोई शासन खुला रहता, ना हमारी कोई अपील सुनी गई, और सोमवार के दिन सवेरे 6:30 से दल बल के साथ में शासन आ गया और हमारी फिर पुनः कोई बात नहीं सुनी गई और इन दीवारों को और इस जगह को तोड़ दिया गया। हम यहाँ पर 100 साल से अधिक से कब्जे में हैं और ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। शासन कह रहा है कि ये सरकारी जमीन थी इसलिए अतिक्रमण हटाया गया। शासन की जमीन थी लेकिन हमारा पक्ष तो सुनना चाहिए था, हमारे भी तो कागज़ हैं, हमारी भी तो चीज़ें हैं, हमें सुना बिना सुने ही एक तरफा डिसीजन दे दिया गया, सबसे दुखद बात ये है। क्या मानते हैं पूरी कार्रवाई को लेकर? हम कोर्ट में गए हुए हैं, हमने स्टे के लिए लगाया हुआ है और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमें दमो शासन से, दमो प्रशासन से ज़रा भी कोई मदद नहीं प्राप्त हुई है, तो हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में अपील करिए और देखिए उसका निर्णय क्या आता है। पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? बहुत दुखद पूर्ण कार्रवाई है, इतनी तेज कार्रवाई यदि दमो में हो जाती तो ना जाने कितनी जगहें खुल जाती, यहाँ पर कोई मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं निकलना है कि उस छोटे से मार्ग के लिए आपने पूरी बाउंड्री को गिरा दिया। ये एक तरफा और दुर्भावपूर्ण व्यवहार मसीह कलीसिया, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, हमारे साथ कोई लोग है नहीं, और इसलिए एक तरफा कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय श्रीमान सुधीर कुमार कोचर, SP महोदय श्री सुरकीर्ति सोमवंशी जी, हमारे एडिशनल SP साहब और CSP साहब, SDM साहब,
श्री आरएल बागरी जी, टीआई साहब, ये निरंतर लगभग पिछले 2 महीने से भी पुलिस और प्रशासन और नगरपालिका द्वारा संयुक्त मुहिम चलाई गई। पिछले 2 महीने में भी शहर से भूमाफियाओं से बहुत अतिक्रमण हटाए हैं और हमारे कलेक्टर महोदय और SDM साहब के मार्गदर्शन में पिछले समय भी बहुत मुहिम चली। और ये जो शासकीय बेशकीमती नजूल भूमि है, ये भी आज यहाँ जो बेशकीमती है मुख्य बाजार से लगी हुई है, ये 15,550 वर्ग फुट पर यह अतिक्रमण पाया गया था और इसकी जो अनुमानित कीमत है वह लगभग 15,50,00,000 रुपया है। तो निश्चित रूप से हमारे ज़िले के मुखिया, हमारे SP महोदय और हमारे SDM साहब को इसका पूरा श्रेय जाता है आज की इस जो हमने जो सरकारी ज़मीन मुक्त कराई। सर, ये समय की बात कर रहे हैं, किस समय पर आपने? सर देखिए, ये लगभग 1 माह पहले ही शिकायत है और निरंतर इसमें जांच कराई गई है और निरंतर इसमें नोटिस दिए गए और साक्ष्य ली गई और अवसर दिया गया, वो सारी चीज़ें केस वर्क में हैं और विधिवत आदेश पारित किया गया और आदेश भी तामील है और विधिवत 36 घंटों के बाद यह कार्रवाई की गई है। सर, अभी लगातार बहुत तेज विरोध जताना शुरू कर दिया था, क्या उसका? देखिए, शासन को अपना काम करना है, विरोध तो होते रहते हैं और विरोध के आगे शासन प्रशासन कदापि नहीं झुकेगा। सर, शनिवार को दिया जाता है नोटिस और अगले दिन संडे रहता है और इनके प्रेयर का भी दिन रहता है और ये भी था कि ये अपने हाथ से हटा सकते हैं, फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि प्रशासनिक अधिकारियों को इतने अमला लेके आने की? देखिए, हमने कोई भी कार्रवाई की है, विधि अनुरूप कार्रवाई की है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।